अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो मैं मानता हूं आप 10 मिनट दे दीजिएगा, 10 मिनट के अंदर हम जितने भी डाउट्स हैं ना आपके सब क्लियर करवा दूंगा, ये मेरा दावा है। 10th क्लास में आपकी परफॉर्मेंस कैसी भी रही हो, मुझसे उससे मतलब नहीं है कि आपके नंबर कम आए हैं, चाहे हाईएस्ट आए चाहे मीडियम आए, कुछ भी आया हो, बस मतलब इससे है कि आप 11th क्लास में पहुंच गए ना। ठीक है, 11th क्लास में पहुंच गए, अब मैं आपको बताऊंगा कि 11th क्लास में स्टडी करते कैसे हैं और किस हिसाब से आपके स्कोर आ सकते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जिनके बहुत ही कम नंबर आते थे, 50% आते थे, उन बच्चों के 90 अबव गए हैं। कैसे गए हैं वो सारी टिप्स आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते हैं, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी रोशनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 11 की स्टडी कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि सारे बच्चे 10th क्लास पास करके अब 11th क्लास में आए। सबसे पहली चीज, मैं उन बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जो कि 10वीं क्लास में मेहनत करके अच्छा रिजल्ट परफॉर्म किए हैं और उसके बाद 11th क्लास में आए। ठीक है, अब देखिए यहां पे तीन टाइप्स के बच्चे होंगे, वो बच्चे जिन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा, वो बच्चे जो मीडियम में होंगे, और वो बच्चे जो एवरेज होंगे, मतलब सबसे नीचे और एवरेज वाले बच्चे। तीन टाइप क्लास में आपकी परफॉर्मेंस कैसी भी रही हो, मुझसे उससे मतलब नहीं है कि आपके नंबर कम आए हैं, चाहे हाईएस्ट आए चाहे मीडियम आए, कुछ भी आया हो, बस मतलब इससे है कि आप 11th क्लास में पहुंच गए ना। ठीक है, 11th क्लास में पहुंच गए, अब मैं आपको बताऊंगा कि 11th क्लास में स्टडी करते कैसे हैं और किस हिसाब से आपके स्कोर आ सकते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जिनके बहुत ही कम नंबर आते थे, 50% आते थे, उन बच्चों के 90 अबव गए हैं। कैसे गए हैं वो सारी टिप्स आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे वो स्कोर किए। मैं मानता हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे देख भी रहे होंगे जिनके बहुत ही कम नंबर आए होंगे, एवरेज आए होंगे, 50 के अराउंड आए होंगे, लेकिन फिर भी मैं दावा करता हूं कि अगर मेरे द्वारा बताई गई चीजों को अगर फॉलो कर लेते हैं 90 के आसपास ही आएंगे। बस मेहनत आपको करनी। कैसे, आज इस वीडियो में हम चार चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज कि ट्यूशन वर्सेस यूट्यूब, क्योंकि आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो ना कि ट्यूशन में देख रहे हो, तो ट्यूशन वर्सेस यूट्यूब आप देखोगे कि क्या बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सर मैं यूट्यूब से पढ़ लेता हूं तो क्या ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है, तो इस चीज को मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। दूसरी चीज कि पढ़ाई करते कैसे, देखिए बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अब बच्चों को ये समझ में आता है यार मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, पढ़ता बहुत हूं, ट्यूशन भी लगवा दिया, मम्मी यहां पे ही भेजती है, इंग्लिश सीखने के लिए भेजती है, मैं घर पे भी पढ़ता हूं, बहुत सारे चीज करता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी नंबर नहीं आ रहे, तो क्या गलतियां कर रहे हो भाई जिसकी वजह से आपके नंबर नहीं आ रहे, उन चीजों के बारे में हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारा अगर आपके पास डिस्ट्रैक्शन है कि भाई आपका ध्यान भटक जाता है, नहीं मन करता पढ़ने का, क्या है कैसे, हर एक चीज के बारे में सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तीसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर यहां पे देखा जाए तो टाइम टेबल डिसाइड करना। आप बच्चे करते क्या है, टाइम टेबल डिसाइड कर लेते हैं कि चलो जी 9 बजे चलो। एक चीज मैं यहाँ पे बात करते हैं, अगर मान लो गर्ल्स की मैं बात कर लूं, गर्ल्स का स्कूल होता है 7:30 बजे स्कूल होता है, तो इनका रूटीन ही होगा कि चलो नहीं कुछ तो 5:30 बजे उठना है या 6 बजे उठना है और उसके बाद 7:30 बजे तैयार होके स्कूल पहुंच जाना है, इतना तो होगा ही है ना। अच्छा, उसके बाद स्कूल से आएंगे 12:30 बजे छुट्टी होगी, 1 बजे घर पहुंचेंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर उसके बाद 4 बजे चल जाएंगे ट्यूशन, फिर आएंगे मम्मी का हाथ बटा देंगे, फिर उसके बाद सोने का टाइम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगले दिन फिर स्कूल जाना है, तो ये इनका रूटीन बन गया। ऐसे ही लड़कों का भी रूटीन है कि चलो सुबह का तो मान लीजिए कि उनका सोने में ही निकल जाता होगा, 8 से 9 बजे तो सो के उठते हैं, उसके बाद वो खाते हैं पीते हैं मौज मस्ती करते हैं और सुबह चले जाएंगे 1 घंटा ट्यूशन पढ़ने, और ट्यूशन पढ़ने के बाद 12:30 बजे उनकी क्लासेज होती है, मतलब स्कूल होता है, स्कूल गए, स्कूल में पढ़े, छुट्टी हुई 6:30 बजे आते हैं, और जिन बच्चों का शाम का ट्यूशन होता है शाम को ट्यूशन पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं जी बहुत पढ़ लिया अब चलो सो जाते हैं, कल सुबह देखेंगे सर नहीं। तो ये बच्चों का रूटीन है, जहां पे बच्चे पढ़े तो पढ़े कैसे,
ये देखिए मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बच्चे देखिए रिलेट कर पा रहे होंगे आप इन चीजों को कि आपके क्या आपके साथ क्या घटनाएं घटती होंगी, क्योंकि आप मेनली फोकस किस चीज पे कर रहे हो, आप कर रहे हो स्कूलिंग पे, क्योंकि आप स्कूल तो जा रहे हो ना, आपके दिमाग में चीजें चल रही है ना कि मैं 6 घंटा तो पढ़ाऊं, ये चीजें चल रही है ना। तो मैं मानता हूं 6 घंटे आपने पढ़ा है, लेकिन आउटपुट क्या निकला है, ये तो वही वाली बात है। हमने काम बहुत किया काम बहुत किया काम बहुत किया लेकिन काम हुआ ही नहीं, समझ में आ रही चीजें। तो ये वही चीजें हैं जो आप कर रहे हो, इन सभी चीजों में मैं अभी चेंजेस कराऊंगा और गारंटी है मेरी कि इसमें चेंजेस करके 2 महीने के अंदर अंदर आप स्कूल में अपने क्लास में आप देखोगे कि आपकी पोजीशन कहां तक पहुंच रही है। सभी बच्चों से मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिए, टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, और इसके अलावा 10th क्लास में नंबर कम आए हैं तो क्या करें। अब बच्चों का एक मोरल डाउन हो जाता है, यार मैं ना बहुत मेहनत करता हूँ, 8वीं में बहुत मेहनत किया था, 9वीं किया था, 10वीं किया था, अब मेरे नंबर ही नहीं वैसे आते जिससे मैंने मेहनत किया है, तो क्या पढ़ना ही छोड़ दूं, है ना। मतलब क्या है कि मैंने इतना मेहनत किया लेकिन नंबर नहीं आया, तो 11th में भी मेहनत करूंगा और नंबर नहीं आएगा। तो वो बच्चे 10 चीजें सोचते हैं कि मेरे नंबर नहीं आया, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और उस चक्कर में वो 11th क्लास भी बर्बाद कर देते हैं। तो मैं मानता हूं कि अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई चीजें चल रही कि 10th क्लास में नंबर कम आए, या तो ऐसा भी कई सारे बच्चे कहते थे मैं 1st क्लास में फर्स्ट आया करता था, मैं 2nd क्लास में था ना तो मैं फर्स्ट आया करता था, अरे अभी भी तो हो पढ़ रहे हो ना, अभी भी तो ला सकते हो ना, टॉप कर सकते हो ना, करो ना, रोका किसने है, इतनी सारी फैसिलिटी। अरे उन लोगों के बारे में सोचो जो पहले के टाइम पे इतनी सुविधाएं नहीं थी, आज तो ऑनलाइन है कि मैं खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूं, कोई भी देख सकता है इस वीडियो को, लेकिन पहले थोड़ी ना था ये, पहले खुद ही तो पढ़ना पड़ता था। तो वो सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा कि अगर 10th क्लास में नंबर आपके कम आए हैं, फिर भी आप 11th क्लास में टॉप कर सकते हो, अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, और नहीं तो कुछ मैं इतना दावा करता हूं कि आप उस लायक हो जाओगे कि आगे चल के 12वीं के बाद आपको ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ग्रेजुएशन निकाल दोगे, इतना मेरा दावा है, ठीक है। कैसे करना है सारा चीज के बारे में बताऊंगा, अब चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यहां पर हम बात करने वाले हैं ट्यूशन और यूट्यूब सिलेक्शन किसको करना है, उस चीज को हम देखने वाले, ध्यान से देखिएगा, चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों का सबसे पहला जो चीज आता है कि ट्यूशन वर्सेस यूट्यूब, तो क्या चीज बेटर है। अब मैं दोनों यहाँ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख रहा हूं, उन चीजों को देखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्यूशन की मेन चीज क्या है। देखिए ट्यूशन पे भी पढ़ाई होती है, जाहिर सी बात है, और यहाँ पे अगर बात करूं मैं YouTube पर भी क्या होती है, पढ़ाई तो होती ही होती है, जाहिर सी बात है। तो अब देखिए पहले पॉइंट पे अगर देखा जाए तो ट्यूशन में भी पढ़ाई होती है, YouTube में भी पढ़ाई होती है। ट्यूशन में पढ़ाई जो होती है नियमित टाइम पे होती है, जैसे 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, लेकिन अगर यूट्यूब पे मैं पढ़ाई की बात करूं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, फ्लेक्सिबल टाइम कि आप क्या, कौन सा टाइम बेटर रहेगा आपके लिए, वो चीज ढूंढना आपको है कि भाई मेरे लिए 4 से 5 पढ़ना है जरूरी, या 6 से 7 है, या रात के 9 से 10 है, है ना, ये आपको ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या है, आपके पास फ्लेक्सिबल टाइम मिल जाता है ना, फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तीसरे की, अगर मैं बात करूं तो यहां पर हो जाता है आपके पास कॉम्पिटिशन की भावना होती है कि भाई चलो 20 बच्चे हैं 25 बच्चे हैं तो मेरे कॉम्पिटिशन की भावना होगी। देखिए बोल तो देते हैं हम कॉम्पिटिशन की भावना होती है, लेकिन बच्चे ट्यूशन में जाते हैं तो हमें ही पता है कि ट्यूशन में क्या करते हैं, वो जाते हैं फ्रेंडों से बात करते हैं कि भाई तेरा क्या हो रहा है, उनका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, यही सब चीज में क्या करते हैं टाइम निकाल लेते हैं, और फिर पता लगता है ट्यूशन टीचर पूछता है कि आपने पढ़ा क्या, पता लगता है कि नील बट्टे सन्नाटा कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। तो वो वहां पर दिक्कतें देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे मैं मानता हूं कि कॉम्पिटिशन आप करोगे किसके साथ, ये कर सकते हो आप स्कूल के साथ और स्कूल में बच्चों के साथ कर सकते हो, और वो भी कब, जब आपका SA1 होता है या फिर SA2 होता है, उस टाइम पे फाइनल पेपर में आप कंपटीशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास टारगेट मिल जाता है, और यहाँ पे भी टारगेट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे लगता है पैसा, देखो सिंपल सी चीज है, आप पढ़ोगे तो कम से कम नहीं कुछ तो एक सब्जेक्ट का 800 रुपए तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन यूट्यूब पे आपका पैसा नहीं लगता है, ठीक है, पैसा बचता है यहाँ पे। तो इस वजह से ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे दोनों का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, इसमें ही पढ़ाई होती है, इसमें ही पढ़ाई होती है। इस ट्यूशन में एक बार जो पढ़ाया गया उस चीज को रिवीजन करने के लिए आपको टाइम लेना पड़ता है कि सर मुझे रिवाइज करना है, मुझे ये करना है वो करना है, तो मुझे टाइम दीजिए, तो यहाँ पे टाइम लेना पड़ता है। लेकिन यूट्यूब में क्या है, यूट्यूब में बार 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 आप चीजों को
करते रहोगे, देखते रहोगे, करते रहोगे, देखते रहोगे, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो यहाँ पे डाउट्स वगैरह जो है आपको वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, मेन एडवांटेज की मैं बात करूं, यहाँ पे टाइम फिक्स हो जाए। कभी भी आप ट्यूशन अगर आप पढ़ते होगे तो आप कहते हो जा रहा हूं मैं ट्यूशन पढ़ने, तो 4 से 5 ही पढ़ूंगा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं ना। आज से 4 से 5 पढ़ लो, कल 5 से 6 पढ़ लेना, परसों 4 से 3 पढ़, इस तरीके की कुछ चीजें तो नहीं होती है ना। तो यही चीजें हैं कि यहाँ पे जो टाइम है वो फिक्स होता है, ये सबसे बड़ी एडवांटेज होती है। लेकिन यूट्यूब पे रही बात, तो यहाँ पे टाइम फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल। अब 4 बजे से 5, अब आपका दिमाग कहेगा चलो यार आज मैं ये काम कर ले, तो 4 से 5 नहीं पढ़ूंगा, 6 से 7 पढ़ लूंगा, है ना। तो यहाँ पे टाइम फ्लेक्सिबल कर दोगे, और फ्लेक्सिबल करना ही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है और एडवांटेज भी है। जैसे मान लो कि आपको 4 से 5 कहीं जाना पड़ गया, तो यहाँ तो क्लासेस मिस हो गई, लेकिन यहाँ पे आपकी क्लासेस तो मिस हुई नहीं ना, तो इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। इसके अलावा कॉम्पिटिशन अगर आप देखोगे तो कॉम्पिटिशन यहाँ पे भी, पैसा अगर देखोगे तो यहाँ पे पैसा आपके लग रहे हैं और यहाँ पे आपका पैसा बच रहा है, ये चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका जो यूट्यूब का जो स्कोर है मेरे हिसाब से ज्यादा है, ठीक है ना। क्यों ज्यादा है? पढ़ाई भी हो रही है, टाइम भी फ्लेक्सिबल कर सकते हो। बस इतनी ध्यान में रखना चाहिए कि जो आप टाइम जैसे ट्यूशन में देते हो वो टाइम आपको यूट्यूब में देना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कंपटीशन है तो आप कंपटीशन रखो बच्चों के साथ, जो ट्यूशन पढ़ रहे हैं उन बच्चों के साथ कंपटीशन रखो, तो यहाँ पे कंपटीशन की भावना भी आ जाएगी और पैसा तो आपका सेविंग हो रहा है, इस वजह से घर की हेल्प आप कर रहे हो। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि यूट्यूब वर्सेस ट्यूशन में कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या बेटर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं दूसरा चीज, दूसरे व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ाई करते कैसे। देखिए पढ़ाई करने का मेन फंडा क्या है, इस चीज को समझिए, आपको सारी चीज खत्म समझ में आ जाएगी। ये जो चीजें है ना, पढ़ाई करते कैसे है, है ना, कैसे करें, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों है? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि पढ़ाई करते कैसे हैं। तो देखिए इस चीज पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं छोटा सा इंट्रो आपको देख देता हूं कि सबसे पहले जैसे मान लो कि आपको स्टार्ट करना है पोल साइंस, या फिर मान लो आपको स्टार्ट करना है कॉमर्स वाले बच्चों को इको स्टार्ट करना है, तो कोई भी अगर आप सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहली चीज उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस देख लो, सिलेबस देखने के बाद एक टारगेट फिक्स करो कि मेरे पास कुल कितने दिन बचे हुए हैं, यानी कि SA1 का जो पेपर होने वाला है उसमें मेरा कितना दिन बचा हुआ है, और उसके हिसाब से आपको क्या करनी है, पर डे की प्लानिंग बनानी है कि मुझे एक दिन में अगर मैं ये कंप्लीट करता हूं तो ऐसे करके क्या SA1 से पहले मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टारगेट बनाया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं चैप्टर्स पे, चैप्टर्स क्या करते हैं, चैप्टर्स हमें रीड करना होता है, ठीक है। चैप्टर्स अगर हमें रीड करना होता है तो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज, पहला चीज ये होता है कि बिना स्ट्रेस लिए पूरे चैप्टर को आपको पढ़ना है, बिना स्ट्रेस लिए पूरे चैप्टर को पढ़ना है। ट्यूशन में हो तो ट्यूशन वाला करा देगा, लेकिन अगर यूट्यूब पे हो तो जाहिर सी बात है वीडियो देखोगे आपको वैसे समझ में आ जाएगा। तो बिना स्ट्रेस लिए पहले क्या करना है, चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। चैप्टर जब आप कंप्लीट कर लोगे फिर आपको ध्यान लगाना है कि भाई अब इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, तो अब उठाना है आपको सपोर्ट मटेरियल, ठीक है, सपोर्ट मटेरियल। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक्सटर्नल में होते हैं, वो सब चीज को आपको करना है। करना कैसे है वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, ये अभी जस्ट एज ए इंट्रो वीडियो में आपको बता रहा हूं कि पढ़ाई कैसे की जाती है। तो सबसे पहले सिलेबस हो गया, दूसरा हो गया इन क्वेश्चनों को करना है, तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे खुद से टेस्ट लेना है। अब जैसे मान लो कि जो बच्चे यूट्यूब पे हैं उनको उनका टेस्ट कैसे होगा, या तो यूट्यूब वाला टीचर टेस्ट ले या फिर वो खुद टेस्ट दे सकते हैं। तो अपने आप से क्वेश्चन लिखो, आंसर करने की कोशिश करो, अपने स्कूल में चेक कराओ कि सर कैसे कैसे क्या होगा। हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते थे 2015-16 की बात कर रहा हूं, उस टाइम पे इंटरनेट था तो, लेकिन हमें तो फोन भी नहीं मिलता था, लेकिन आज आप लोग के पास सबके पास फोन हो गई होगा, तो जाहिर सी बात है। तो उस टाइम पे भी ये जो चीजें है ना, टेस्ट खुद से देने वाली जो हैबिट है ना, ये मेरे अंदर थी और मैंने किया भी है। आप चाहो तो मैं आपको अपनी कॉपी भी दिखा सकता हूं, उस टाइम की कॉपी संभाल कर रखा हूं कि दीदी को मैं ऐसे किया करता था, इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है ना। चलिए तो बात करते हैं तीसरी चीज की, तीसरी जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है वो है टाइम टेबल। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टेबल होता है, और ये उसी बच्चे का सेट होता है जिसका दिमाग सेट होता है। देखिए सबको ये बात पता है कि सबको 24 घंटे मिलते हैं ना, और आप इस 24 घंटे का यूटिलाइज कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे
जैसे हमें पता है कि कुछ चीजें हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ चीजें हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे तो चेंज हो जाएंगे। चलिए किन चीजों की बात करें, पहले इस चीज को देखिए। जैसे हमें पता है कि हमारा जो सोने का टाइम है वो फिक्स है कि मिनिमम हम जो सोते हैं वो 8 घंटा तो हम सोएंगे। तो कुछ चीजें देखिए, ये एक ऐसा चीज है कि इस पे एक सेपरेट वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी टाइम टेबल को लेकर, लेकिन अभी मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि आपको करना कैसे है। एक चीज तो आपने देखा 8 घंटे सोना, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है 6 से 6.5 घंटे आपको लगते हैं किस चीज के, स्कूलिंग के। 6 से 6.5 घंटे लगते हैं स्कूलिंग के, ठीक है। चलो जी, ये हमने लिख लिया यहाँ पे, एक साइड हम लिख लेते हैं कि 6.5 घंटा हमारे स्कूल में जाता है। इसके अलावा मैं दो चीज और इसमें ऐड करना चाहता हूं, बाकी कुछ नहीं करूंगा, बाकी आपका जो भी रूटीन चल रहा है वो चलने दीजिएगा। देखिए, चाहे आप मेरे साथ YouTube पे स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप ट्यूशन पे स्टडी, मतलब ट्यूशन में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे ट्यूशन में स्टडी कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे स्टडी कर रहे हैं, आपको करना क्या है, 2 घंटे देना है। किसमें? सेल्फ स्टडी में। किसमें? सेल्फ स्टडी में देना है, ठीक है ना। देखिए, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, सेल्फ स्टडी में आप कितना टाइम दे रहे हो, 2 घंटे दे रहे हो, और 2 घंटे आपको देना है चाहे आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो वहां पे, चाहे आप यूट्यूब पे क्लासेस ले रहे हो वहां पे। अगर मान लीजिए कोई भी आप एक चैप्टर देखते हो जो कि 1 घंटे का है, तो उसको आपको एक नहीं बल्कि 2 बार देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि एक बार आप जब वीडियो देखते हो तो कुछ चीजें समझ में आती है, लेकिन जब दूसरी बार आप वीडियो देखते हो तो आपको बहुत क्लियर हो जाता है। तीसरी बार जब वीडियो रिपीट करके देखोगे तो भाई साहब पूछो मत, ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। एक बच्चा था मेरे पास, पढ़ाई कर रहा था, मेरे साथ पढ़ाई कर रहा था, तो हुआ यूं कि जब जब मैं पढ़ता था तब तक मैं वो आके बैठ जाता था मेरे पास कि भैया मुझे पढ़ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पढ़, लेकिन वो बहुत ही कमजोर था, इसलिए वो मेरे साथ बैठा था काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा, वो बार बार वीडियो देखता था, मैंने कहा देख भाई तू वीडियो देख रहा है ना, एक बार नहीं बल्कि कई बार देख, इससे होगा क्या, तुम्हारे पास हैबिट आएगी। एक वीडियो को जब कंसिस्टेंसी के साथ आप देखेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार तो वो चीज कंठस्थ हो जाएगा, वो चीज याद हो जाएगा। अब आपसे कोई सपने भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर कोई टेबल आपसे करवाता है, गिनती अगर वो करवाता है, तो आप बोल दोगे ना, याद तो है ही है ना। तो यही चीज है कि जिस चीज को आप कितनी बार प्रैक्टिस कर लेते हो वो सारा का सारा चीज आपके दिमाग में फिट हो जाता है। तो इसी तरीके से उस बच्चे को मैंने जब सजेशन दिया कि एक वीडियो को इतनी बार देख, तो वो उतनी बार तो नहीं देखा, लेकिन 3 से 4 बार वो देखता था, और जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो उसने बाद में बताया कि भैया मेरे क्लास में मेरी परफॉर्मेंस ऐसी हो गई है। पहले वो कुछ नहीं था, लेकिन फिर उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई, और जिस टाइम पे वो पास हुआ उस टाइम पे 90 के आसपास उसके मार्क्स आए थे। वो बच्चा जो एवरेज था उसके इतने नंबर आ सकते हैं, तो आपके क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि आपको पता है कि आप कैसे स्टडी करते हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बोला कि कम से कम 2 घंटे जो है आप अपना सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो, और 2 घंटा है चाहे आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, वहां पे काम, मतलब वहां पे टाइम दो, और टोटली अगर कहा जाए तो ये हो जाता है आपका 10.5 घंटा, यानी कि 10.5 घंटा आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, 6 घंटा स्कूल का तो फिक्स है ही, बाकी 4 घंटा जिसमें से 2 घंटा यूट्यूब के लिए निकाल लो या फिर ट्यूशन पढ़ रहे हो वहां के लिए निकाल लो। अब कई सारे बच्चे कहेंगे भैया मैं तो 1 घंटे जाता हूँ ट्यूशन पढ़ने, तो 1 घंटे जाते हो 1 घंटा रिवाइज तो कर लो, समझ में आ रही चीजें, तो 2 घंटा आपको उसमें देना और 2 घंटा सेल्फ स्टडी में देना है। टोटली अगर मैं कहूँ तो 10.5 घंटा आपको पढ़ना है, अगर इस हिसाब से आप पढ़ लेते हो तो आपके स्कोर बहुत ही अच्छे आएंगे। अच्छा, इस पे देखिए, ये अकॉर्डिंग टू पर्सन सब टाइम टेबल बनता है, अकॉर्डिंग टू पर्सन। कोई कहेगा भैया मैं इससे ज्यादा पढ़ सकता, कोई कहेगा भैया मैं इससे कम पढ़ सकता हूं, तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू पर्सन ये बनता है। गर्ल्स के लिए अलग बनता है, बॉयज के लिए अलग बनता है, क्योंकि उनकी शिफ्टिंग अलग है ना, इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे लिखा कि 10th क्लास में नंबर कम आए हैं तो क्या करें। देखिए, अभी आप अभी तक आपके साथ कितने हादसे हुए हैं सब भूल गए ना, इसको ही भूल जाओ। 10th क्लास में कितने नंबर आए इससे मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप 11th में पहुंच गए हो ना। अब 11th क्लास में आप पहुंच गए हो, अब पढ़ाई कैसे करना वो सारी चीज, सारा हेडक मेरा है कि कैसे करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा। देखिए, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो वो वीडियो जिस टाइम पे मैंने 11th क्लास पढ़ाना स्टार्ट किया था। अभी पढ़ाते हुए मैं 1 साल हुआ, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके बहुत ही अच्छे अच्छे स्कोर आए हैं। मैं नहीं मानता हूं कि कोई टीचर किसी बच्चे को टॉप करा देगा, ये बात याद रखना कि कोई भी टीचर किसी बच्चे को टॉप नहीं करवा सकता जब तक बच्चे के अंदर खुद सेल्फ डिजायर ना हो। आज
विकास स्टडी पॉइंट से पढ़ के बच्चे 90 स्कोर किए हैं तो सारा श्रेय मैं ले लूंगा क्या? नहीं 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 नहीं, कोई सारा श्रेय मेरे ऊपर बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि बस इतनी है कि आप जो मेहनत किए हो उसमें थोड़ा सा मैं और एफर्ट्स डाल दिया हूं, बाकी मैंने कुछ नहीं किया है। ये सिर्फ कौन करने वाला है? सिर्फ आप करने वाले हो। और गाइड कैसे होगा? गाइड कौन करेगा? वो सिर्फ गाइड करने वाले मैं हूं। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ स्टडी करते हो, मैं जिस हिसाब से करवाता हूं उस हिसाब से स्टडी करते हो, तो भाई साहब आपके 90 अबव आएंगे। नंबर कैसे आएंगे वो चीजें मैं आपको अब जा रहा हूं चीजें बताने। देखिए, चाहे आप 11th क्लास में हो, चाहे 12th क्लास में हो, चाहे कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, 11th क्लास में क्या है, 11th क्लास में जैसे सपोज आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं जैसे आप देखते हो यूट्यूब पे वीडियो देखते हो और यूट्यूब पे क्या आते हैं, एड्स आते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि आप यूट्यूब पे भी हमारी वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज आप हमारे चले जाओ ऐप पे। ऐप पे अगर आप जाते हो तो वहां पे सबसे पहली चीज आपको मिलती है वीडियोस देखने को, ठीक है, वीडियोस देखने को। अच्छा, अलग अलग टाइप के कोर्सेज, जैसे पॉलिटिकल साइंस का अलग कोर्स है, हिस्ट्री का अलग कोर्स है, इस टाइप के कोर्सेज हैं अलग अलग टाइप्स के, ठीक है। तो सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको वीडियो, दूसरे नंबर पे देखने को मिलेगा नोट्स, और तीसरे नंबर पे देखने को मिलेगा टेस्ट सीरीज। उसके बाद आगे चल के जिन बच्चों को डाउट्स होता है उनके लिए डाउट क्लासेस, जिन बच्चों को लाइव क्लासेस चाहिए पेपरों से पहले लाइव क्लासेस, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसको बोलते हैं सैंपल पेपर। सैंपल पेपर का मैं डिस्कशन करता हूं ताकि बच्चों का स्कोर अच्छा हो पाए, क्योंकि पिछले साल जो मैंने तैयारी करवाया था उसमें से ऐसे बच्चे जो बिल्कुल ही एवरेज थे, लेकिन सैंपल पेपर करने के बाद उनका जो नंबर आया 80 के आसपास आया था, ठीक है ना। तो ये चीज है, जो एवरेज वाले बच्चे जब उनके आ सकते तो आपके क्यों नहीं आ सकते हैं। तो इस तरीके से ऐप पे है, और ऐप आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, अदरवाइज आप विकास स्टडी पॉइंट सर्च मारना प्ले स्टोर पे, वहां आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से आप चीजें कर सकते हो। तो इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है आप बस फॉलो कीजिए, और फॉलो करते रहिएगा तो आपको अंदर जो चेंजेस होगा वो आप खुद ही महसूस कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके सामने मैंने रखा है, एक एक चीज पे मैं सेपरेट अलग से वीडियो और भी बनाऊंगा, आपको देखना है, मोटिवेट होके रखना है, क्योंकि हर टाइम पे मोटिवेट करने का जिम्मा मेरा है, बस आपको वीडियो देखते रहना है। तो बस यही चीज था आज की वीडियो में, बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।